हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, ये माइक है। बात करेंगे स्पाइरल फ्रॉम दी बुक शॉ, जो कि शॉ फ्रेंचाइज की एक लेटेस्ट मूवी है। ओवरऑल लेंथ 1 आवर 30 मिनट की है, और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलती है। किस साइड में देखने को मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ ये कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी और उसके अलावा मूवी कैसी है। तो आप ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। मूवी के प्लॉट की बात करें तो फोकस करता है एक नए सीरियल किलर पर। यहाँ पर आपको प्रीवियस मूवीज़ में बताया गया सीरियल किलर देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक नया सीरियल किलर देखने को मिलता है जो कि टारगेट कर रहा है पुलिस वालों को। अब वो क्यों कर रहा है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर मूवी के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोग शॉ फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फ़ैन हो और आप लोग ना चाहते हो भी शॉ की हर एक लेटेस्ट मूवी देखते हो, क्योंकि शॉ की एक प्रॉब्लम ये है इस फ्रेंचाइज की कि इसके स्टार्टिंग की जितनी मूवीज़ थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मूवीज़ आने लगी वैसे वैसे इसका जो एक स्टेटस था वो कम होता हुआ चला गया। लेकिन फिर भी जो ऑडियंस थी वो कम नहीं हुई। ऑडियंस एक एक्सपेक्टेशन लेकर इन मूवीज़ को देखती कि यार हमें फिर से वही पुराना वाला मैजिक देखने को मिले। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मूवी की बात करो तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो मत रखना, लेकिन हाँ ये मूवी आपको बोर भी नहीं करती है। स्टार्ट से लेकर एंड तक ये मूवी एंगेज रखती है बिकॉज ऑफ इस एग्जीक्यूशन। उसके अलावा मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो क्रिस रॉक ने यहाँ पर डिटेक्टिव जेक का रोल प्ले किया। अब इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में आपको ह्यूमर प्लस सीरियसनेस दोनों देखने को मिलेगा, और इस वजह से ये कैरेक्टर आपको बांधे रखता है पूरी मूवी में। उसके अलावा यहाँ पर सैम्यूल यानी कि हमारे निक फ्यूरी भैया भी देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर एकदम बकवास रोल में हमें नज़र आते हैं। हालांकि वो इस पर्टिकुलर मूवी में नहीं भी होते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता ना कोई उखड़ जाता, लेकिन फिर भी ठीक है वो इस मूवी में है तो ऑडियंस उनके वजह से भी इस मूवी को चेकआउट कर सकती है। लेकिन यार वो पास्ट में वो जो मूछ उछ वाला रोल था वो क्या चूतिया लग रहे थे उनको, तो मैं इतना ही सजेशन दूंगा कि भाई यू आर अ वेरी गुड एक्टर बट इस तरह की मूवी में आप मत आओ, कोई फ़ायदा नहीं। आप वो मार्वल की मूवी करो उसमें ज़्यादा बेटर लगते हो। उसके अलावा दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब ठीक ठाक थे, मूवी को एंगेजिंग रखा है। जो ट्विस्ट है वो लास्ट के 30 मिनट में आपको देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग था। लेकिन आज उसकी एंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा रश हड़बड़ी वाली लगी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओवरऑल एक अच्छी मूवी है। खैर आप बात करेंगे OTT प्लेटफॉर्म की तो ये आपको अमेजोन या तो फिर हुलू इन दोनों में से किसी एक OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये किसी भी OTT पर नहीं है, क्योंकि ये मूवी को रिलीज़ किया गया है सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स एक्सपीरियंस के लिए। बाद में ये OTT पर आएगी तो उस पर मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता था, लेकिन हाँ इतना कह दूँ कि अमेजोन या तो फिर हुलू इन दोनों में से किसी एक पर आएगा। HBO मैक्स पर ये डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगी। उसके अलावा कैम्ब्रिज इसका अच्छा है, प्रिंट अच्छी है, और हिंदी मतलब ये अनऑफिशियल हिंदी डब में रिलीज़ हुई है, जिसकी अनऑफिशियल हिंदी डब मेरे हिसाब से ओके की है, ज़्यादा बेटर ज़्यादा बेस्ट नहीं की है। जैसे आपको पता वो चूतिया लोग किस तरह से अनऑफिशियल हिंदी डब करते तो बिल्कुल उसी तरह की किया है। मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई ये मूवी अगर आपको देखना है तो देखो, या तो फिर वेट करो इसके OTT रिलीज़ का। थिएटर्स में तो आप लोग US तो जा नहीं सकते हो, इंडिया में तो ये मूवी रिलीज़ हुई नहीं और 2-3 महीने तो भूल ही जाओ। पेरेंटल गाइडेंस से इतना ही बोल दूँ कि ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। मैं इसको रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।